नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल स्टार्ट टू फिनिश आप कैसे बनाओगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद में शायद ही कौन सा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो आप इसको स्टार्ट टू फिनिश देखिए। YouTube चैनल कहाँ से बनाते हैं, उसका थंबनेल कहाँ से बनाते हैं, चैनल आर्ट कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, SEO कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, और सब फ्री में होगा, सब आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे होगा, नो डाउट। आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो जो है स्टार्ट टू फिनिश देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो करियर है YouTube फुल टाइम करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। अगर पार्ट टाइम भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए से वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको एक चैनल क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आपके जो भी नीश है, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग का करना चाहते हो, या अफिलिएट मार्केटिंग का चैनल को ओपन करना चाहते हो, या फिर व्लॉग ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या आपको ये जो शंका दुविधा मन में रहती है कि क्या यानी कैसे करें, चैनल तो बना लिया, शूट कैसे करेंगे, वो थंबनेल कैसे बनाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, और ये जो हालांकि प्रोसीजर जो होती है थोड़ी लंबी होती है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको फेसबुक चलाते आता है तो आपको यूट्यूब चैनल भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इजी तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी आपने बिल्कुल भी ये वीडियो जो है बिल्कुल दो दो तीन तीन पार्ट में देखा तो भी चलेगा, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन आपको ये देखने के बाद में आप खुद का एक चैनल बना सकते हो। मुझे थाईलैंड से भी मैसेज आया है, श्रीलंका से भी मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे कि सर स्टार्ट टू फिनिश हमको एक ट्यूटोरियल दे दीजिए। काफ़ी लोग इनके कोर्सेज बेचते हैं जो कि आपको फ्री में मटेरियल मिल रहा है। कोर्सेज के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिनका आपको कोर्स परचेस करना है उसमें भी अच्छी बातें बताई होंगी, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके पूरी दुविधा क्लियर करेगा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा कि आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। ये मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी मेहनत है, डेडिकेशन है, और आपको फोकस रहना पड़ेगा, और ये जितना आप इजी लगता है यूट्यूबर्स की लाइफ उतनी नहीं रहती है, इसके लिए ज़रूर आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने रात को ढाई ढाई तीन तीन बजे उठ के वीडियो बनाए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम ही इसे करो, आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और मेन बात दोस्तों, मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है यूट्यूबर्स के लिए कि एडिट करना बिल्कुल भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पैसे नहीं आते। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं दूसरों को हायर कर लेता हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो उसको भी आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे। ये काफ़ी ईजी होता है दोस्तों, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए और आता भी है, ये भी मैं आपको फ्री में बिल्कुल भी बताऊंगा, काफ़ी बेहतरीन वे से बताऊंगा और ईजी वे से बताऊंगा, जो कि आपके एंड्रॉयड फोन से आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक काम और करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाजू की बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे सब बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं। मेरे वीडियो रहते हैं दोस्तों हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते लेजिट वे से, उसके रिलेटेड मेरे वीडियोस रहते हैं। ज़्यादा मैं आपका देर न लेते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको, और स्टार्टिंग में मैं बताऊँगा कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद में मैं बताऊँगा थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जो यूट्यूब का चैनल आर्ट रहता है वो मैं बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रूर देखना है, मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज हम फुल बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको जो भी चैनल बनाना हो वो आप ध्यान में रखिए, और उससे पहले हमको एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से, आपके चैनल के हिसाब से आप जीमेल आईडी बना लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको यहाँ पे चैनल का, तो सिंपली आपको पहले जीमेल यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है, जीमेल साइनअप पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी नाम आपको आपके चैनल का देना है उसी हिसाब से आपको जीमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए जीमेल आईडी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम मैं रखना चाहता हूँ मनी रूल्स, तो मैं यहाँ पे मनी लिखता हूँ, लास्ट नेम में मैं रूल्स लिखूँगा,
अगर आपका कुकिंग का हो या फिर कुछ अलग हो, जैसे यहाँ पे आपका कुकिंग का होगा तो यहाँ पे आप कुकिंग लिखोगे तो सामने जो भी होगा कुकिंग राधा या बेस्ट कुकिंग वगैरह जो भी हो, या फिर टेक्निकल जो भी आपका नाम बहुत से अभी चलन में है, अगर आपको खुद का नाम ही देना है, जैसे कि मेरे चैनल का जो मेरा मेन चैनल है विकास इंग्लिश, मैंने खुद का नाम दिया, तो आप खुद के इससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मनी रूल्स करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो आईडी बोल रहा है ये आईडी आ जाएंगी। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है जो कि अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं यहाँ पे फटाफट से पासवर्ड दे देता हूँ। आपको कंफर्म पासवर्ड भी देना है, वही जो पहले डाला था। ये होने के बाद में आपको एक फ़ोन नंबर मांगेगा, आपका सिंपली यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद में सिंपली नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे एक आपको कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे वेरीफाई करना है। वो होने के बाद में आपको यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल ज़रूर ऐड करना है। इन फ्यूचर आप अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे रिकवर वो पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी ईमेल डालने के बाद में यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाल देना है, जेंडर यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप ये स्किप भी कर सकते हो। और आपकी एक जीमेल आईडी तैयार हो चुकी है दोस्तों। नीचे आपको यहाँ पे जाना है, आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। आपकी जीमेल आईडी बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है। राइट साइड में यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद में आपकी जो आईडी है यहाँ पे दिखाई देंगी, यहाँ पे आपकी आईडी दिखाई देंगी, ठीक है। यही आईडी से हमको क्या करना है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं कि चैनल कैसे बनाते हैं। आपको जाना है दोस्तों गूगल पे, आप ये फोन पे भी कर सकते हो, क्रोम पे आपको डेस्कटॉप साइज करके ये पूरा आप लुक उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे आना है, यहाँ पे आपको youtube.com लिखना है, YouTube पे आपको क्लिक करना है। YouTube पे आने के बाद में यहाँ पे ऊपर साइन इन दिया हुआ है, मेक श्योर कि जो जीमेल आईडी से आपने अभी साइन इन किया था, यानी जीमेल आईडी का अकाउंट ओपन किया था, वही से साइन इन करेंगे। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। ये MR56 करके हमने किया था, इससे मैं साइन इन हो जाऊँगा। उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और साइन इन पे क्लिक करना है। जिस जीमेल आईडी से हम साइन इन हो गए थे उसी जीमेल आईडी यहाँ पे ऊपर शो होंगी, इस पे आपको क्लिक करना है। काफी इजी वे से दोस्तों आपको चैनल भी क्रिएट हो जाएगा, आपका सब हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे बिल्कुल चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं सब, बिल्कुल लोगो कैसे बनाते हैं और थंबनेल कैसे बनाते हैं, कैसे पैसे आएंगे बैंक में, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स क्या होगा, सभी बिल्कुल एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपकी जो ईमेल आईडी शो होंगी जो अभी अभी हमने बनाई है या फिर आप वो बनाओगे, ठीक है। मनी रूल मैंने यहाँ पे मेरे चैनल का नाम रखा है, जो कि एक ऐसा ही चैनल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि आपको समझ में आए। नीचे यहाँ पे देखिए क्रिएट अ चैनल, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है क्योंकि ऑब्वियसली हमको चैनल बनाना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख के आया योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस, तो हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे आपको, यहाँ पे यूज योर नेम, यूज अ कस्टम नेम, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए हम यूज अ कस्टम नेम पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे आप आपका चैनल का नाम जो भी आपको देना चाहते हैं, आप लोग देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली मनी रूल्स करके रखा था, जैसे आप जो भी होगा आपका वो नाम देना है। आगे चल के आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी एक खूबसूरत बात यूट्यूब की है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल नाम, पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद का नाम भी डाल सकते हो और आपका नीश आगे ले जा सकते हो। यहाँ पे टिक करने के बाद में क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको नाइस वर्क, योर चैनल मनी रूल्स हैज बिन क्रिएटेड, यहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ पे आपको चैनल का लोगो देना होगा जो कि अभी हम बनाना सिखाएंगे आपको। उसके बाद में आपका चैनल यानी आपका नीश जो है वो रिलेटेड टू कौन से टॉपिक से है, यानी आप
कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे जो कि आपके कस्टमर आप तक पहुंचेंगे। तो आपका जो जो भी चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वो देना पड़ेगा, उसके बाद में मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपकी वेबसाइट भी डाल सकते हो, आपके सोशल आइकन भी यानी सोशल साइट के जो URL है वो भी डाल सकते हो, यानी आपके जो दूसरे सोशल साइट है उसकी भी रीच आप बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं, मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि आपका जो लोगो है वो कैसे आपके फ़ोन से हो सकता है, और चैनल आर्ट जो कि यहाँ पे हम देखेंगे पीछे वाला जो चैनल आर्ट है वो भी 2 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसा बनता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके चैनल का लोगो और चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चैनल आर्ट कैसे बनाना, यूट्यूब चैनल आर्ट जो कि पीछे में रहता है, जैसे कि एक चैनल रहता है सब्सक्राइब की बटन रहती है उसके पीछे चैनल आर्ट रहता है, जिसके जैसे कि आप हर एक यूट्यूब चैनल पे देखते हो और उसमें उसका पूरा लेखा जोखा रहता है कि वो चैनल काय के बेसिस पे है और आपको वो क्या बताना चाहता है या फिर आप उनका नीश क्या है। तो काफ़ी ईजी है, वो भी आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिए और इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। अभी हमको चैनल आर्ट बनाना है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा चैनल उससे लिहाज से खूबसूरत दिखता है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जिसका नाम है कैनवा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर कैनवा लिखना है और यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी बेहतरीन है, 4.7 की रेटिंग है और काफ़ी ट्रस्टेड है। यहाँ पे ओपन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ तो आप गूगल अकाउंट से या फेसबुक से यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे गूगल अकाउंट से ज्वाइन हो जाता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर सर्च दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल आर्ट लिखना है जो कि पहले ही यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे ऊपर का कैनवा से आप एक नंबर प्रोफेशनल चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी फुल HD में। तो यहाँ पे जो कि फ्री में लिखा है, आपके लिहाज से आपका नीश कौन सा है, जैसा कि फूड होगा तो जैसे फूड से रिलेटेड भी यहाँ पे हैं, जैसे मेरा मनी रूल्स है तो देखते हैं कोई मनी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं तो ऐसा ही एक कैची मैं लोगो देख सकता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यहाँ से कौन सा लूँगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइफ ऑन द रोड, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ लाइफ ऑन द रोड जो कि फ्री में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे इस पर सिंपली जो भी होना है आपको क्लिक करना है, ये आप जो भी लिखा है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है आपको या फिर नीचे एरी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करके आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो, इसको रिमूव कर देना है सिंपली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनी रूल्स, आप आपका टैगलाइन भी डाल सकते हो जो भी आपके चैनल का हो वो डाल सकते हो, और यहाँ पे फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपल एक फॉन्ट रखना जो कि विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ऊपर डाउन एरो यानी डाउनलोड का है, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आप नीचे ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर डाउनलोड कर लेता हूँ, हमारे फ़ोन में ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे और चैनल आर्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, हमारा वीडियो भी रह गया है और वीडियो एडिट करके भी आपको दिखाऊंगा, सभी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, जिस किसी को भी यूट्यूब एज अ करियर चूज़ करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं सब चीज़ें यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री बता रहा हूँ, ठीक है। आप YouTube चैनल आर्ट पिक्सल लैब से भी कर सकते हो, सिंपली आपको पिक्सल लैब यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी। अभी मैंने जो बताया था दोस्तों कैनवा से बताया था, पिक्सल लैब से भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर से आप ऊपर 3 डॉट्स पे यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इमेज साइज पे जाइएगा, यहाँ पे कस्टम लिखा है उसके बाजू में डाउन एरो, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर करके हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद में नीचे यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको मैं फॉर एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जो भी इमेज डाल के वो भी कर सकते हो और जो भी कलर में आपको चाहिए वो कर सकते हो। मैं सिंपली ये रेड ले लेता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जैसो डायमेंशन में आ गया है यूट्यूब चैनल बैनर, तो इसको जहाँ पे मैं अभी मेरा मनी रूल्स के चैनल के आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मनी रूल्स लिखता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मनी रूल्स, ठीक है। तो मनी रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैं फॉन्ट नीचे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जो ए बी लिखा है उसके नीचे फॉन्ट लिखा है, यहाँ पे मैं ये कर दूंगा आर्म रेसलर ए, जो फॉन्ट मेरा पसंदीदार है। लेफ़्ट में आया हो तो साइज़ आपकी इसकी बढ़ जाती है ऐसा करने के बाद में, लेकिन इसकी मैं थोड़ी छोटी करता हूँ। और यूट्यूब चैनल आर्ट में जो पिक्सल लैब से आप करोगे तो यहाँ पे नीचे ही आपका, यहाँ पे जैसे मैंने किया है वहाँ पे ही आप करोगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ऐसा जाते हो तो वो कट जाएगा, लेकिन आपका ये रिस्पॉन्स ही होता है, मोबाइल में अलग दिखता है, डेस्कटॉप में और टीवी में अपने अलग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। मनी रूल सिंपल, बिल्कुल भी आपको जो भी डिज़ाइन, अगर कोई इमेज डालना है तो सिंपली यहाँ पे प्लस पे बटन करके गैलरी पे जाके डाल सकते हो। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पे किया है। यहाँ पे ऊपर जाके मैं ये क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट इमेज सेव कर दूंगा। लोगो बनाने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर सिंपली आपको ओपन करना है यहाँ पे, और पिक्सल लैब करके एक एप्लीकेशन है, पिक्सल लैब, तो आपको सिंपली यहाँ पे पिक्सल लैब करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जो डाउनलोड होने के बाद में सिंपली आपको ओपन करना है दोस्तों। ओपन होने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि पिक्सल लैब के नाम से यह जाना जाता है। हमको दोस्तों ऊपर जो थ्री डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इमेज साइज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है, इमेज साइज वहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में 800x800 का हमें यहाँ पे रेशो चाहिए जो कि लोगों को लिए है, तो ये 800x800 यहाँ पे कर दिया है, इट मीन स्क्वेयर का होता है वो, ठीक है। यहाँ पे हमको अभी हमारा लोगो बनाना है। फॉर एग्जांपल मनी रूल्स करके चैनल का नाम मैंने लिखा है, आपका कुछ और हो सकता है, तो आपको यहाँ पे जैसे मनी रूल्स है MR लिखता हूँ मैं, M फॉर मनी एंड R फॉर रूल्स, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पे हम ये जो कलर है ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है, नीचे यहाँ पे ये स्क्वायर पे स्क्वायर यहाँ पे एक लिखा है, देखिए राइट साइड से लेके सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कलर ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी ऊपर कलर्स हैं, यहाँ पर आप जो भी कलर्स देना चाहते हो वो दे सकते हो, जैसे कि वाइट हो गया, रेड हो गया, ये वाला कलर हो गया, ये डार्क पिंक हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइट देता हूँ और इस पे MR लिखता हूँ। लिखने के लिए आपको नीचे यहाँ पे A दिया होगा, देखिए यहाँ पे थ्री सर्कल के बाजू में A, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट पे जो नीचे ऑप्शन आया यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कैपिटल M लिखता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अभी ये छोटा सा है तो नीचे यहाँ पे देखिए स्टाइल्स, एडिट, डिलीट, कॉपी टू फ्रंट, तो इसको थंब से स्क्रॉल करना और अपने लेफ्ट साइड पे खींचना। यहाँ पे साइज करके एक बटन आएगा, यहाँ पे साइज पे आपको क्लिक करना है और इसकी साइज जो है वो बढ़ा देनी है, ठीक है। इसकी साइज आपको फुल कर देनी है। ये लिखा मैंने M, इसके बाजू में मैं R लिखूंगा, M फॉर मनी, R फॉर रूल्स, मनी रूल्स जो कि मैं चैनल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ब्लैक है, जो भी कलर चेंज आप करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपली कलर चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको फिर यहाँ पे लेफ्ट में स्क्रॉल करना है इसको ऐसा, यहाँ पे फिर पैडिंग के बाजू में कलर आएगा, इसको आपको क्लिक करना है और जो भी मनपसंद कलर है वो आपको इसको दे देना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये वाला कलर इसको दे देता हूँ जो कि दिखना चाहिए, अच्छा भी दिखना चाहिए और विजिबल भी होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने M दे दिया है, इसको बिल्कुल भी लास्ट खींचने के बाद में यहाँ पे शैडो भी दे सकते हैं आप, इस पर शैडो आ गई।
3D लुक भी देख सकते हो, उसके बाजू में 3D लुक है, इसको क्लिक कर देना तो 3D लुक में भी ये आ जाएगा, दिखने में भी अच्छा दिखेगा। और अभी इसके बाजू में हमको लगाना है आर, तो यहाँ पे सिंपली फिर से टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे एडिट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये रिमूव कर देंगे, कैपिटल में यहाँ पे आर लिख देंगे, ऊपर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर ये छोटा सा आर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, फिर से नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, साइज ढूंढेंगे, साइज दिख गई उस पर क्लिक करेंगे, उसको फिर यहाँ पे बड़ा कर देंगे, अपने थंब से इसको एम को आर के बाजू में लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आर को हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसा भी कर देंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाएंगे, कलर्स पैडिंग के बाजू में कलर्स है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अभी ये आप अलग दे सकते हो या वही दे सकते हो, अलग अलग दे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, जो पहला दिया वही दिया तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फेंट हो गया तो भी चलेगा, आपके हिसाब से आपने दे देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। फिर से लेफ्ट लास्ट में जाना, शेडो पे क्लिक करना, शेडो आ जाएंगी, 3D पे 3D आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्लासी आपका लोगो तैयार हो गया है। ऊपर 3 डॉट पे आपको जाना है, 3 डॉट पे ऊपर आपको जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज करना है, इस पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी, यहाँ पे आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप साइज पे करके आप पूरा ये जो यूट्यूब चैनल क्रिएट मोबाइल से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं। एडिट करने के लिए आपको वीडियो पहले शूट करना पड़ेगा और शूट करते समय काफ़ी थोड़ी गलतियाँ होती रहती है, वो कैसे एडिट करना है और वो कैसे मर्ज करना है, फिल्टर्स कैसे यूज़ करना है, जैसे मैं मेरे वीडियो में आप देखते हो बाजू में कुछ लिख के आता है वो कैसे ऐड करना है, मैं इमेजेस ऐड करता हूँ वो कैसे डालना है, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये एडिट सेक्शन आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको आपका फर्स्ट वीडियो जो है शूट करना है, मैं अभी ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको देखिए जो बोया माइक मैंने अभी बताया था वो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ओपन कैमरा एप्लीकेशन, आपको ओपन करने के बाद में आपको आपका माइक इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी प्राइमरी कैमरा है वो बोया माइक को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपके जो भी एक प्रोजेक्ट पर रख सकते हो या फिर विंडो पर रख सकते हो, आप कैमरा सेट कर सकते हो। मैं मेरे जो फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ, अभी देखिए वीडियो शुरू है, ठीक है। मेरा जो चैनल आपको बताया था मनी रूल्स है अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, उसके फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा। आपका जो भी है वो ऐसे स्टार्ट करना है, देखिए पहले जो एक दो वीडियो रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा, बिल्कुल भी घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं जानबूझ के बीच में फंबल हो जाऊँगा, वो फिर आपको एडिट सेक्शन में बताऊँगा कि कैसे एडिट करना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और बहुत बहुत स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मनी रूल्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा और आपको बिल्कुल भी मनी के जो भी रूल्स है वो सिखाऊंगा। ये मेरा नया चैनल है, आपको मनी रिलेटेड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जो भी आपको ऑनलाइन से पैसे कमाना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैं फंबल हो जाता हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्टॉप हो जाना है और दिमाग में सोचना है आगे क्या बोलना है, या तो फिर स्क्रिप्ट लिख लेना है, ठीक है। मैं तो लिखता नहीं हूँ, जो दिमाग में पहले सोचता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ और बोल देता हूँ। और जहाँ पे फंबल हुआ, फंबल है जहाँ पे आप गलती से रुक गए या कुछ भी आपको याद नहीं रहा तो वहाँ पे सिंपली रुक जाना, ये सब एडिट होगा, एडिट सेक्शन में मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट टू फिनिश यानी अभी नेक्स्ट शुरू कर दिया मैंने, तो स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो आपको देखना है और जो भी बीच में जो भी चला है वो एडिट हो जाएगा। तो स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो देखना है आपको और हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। तो देखिए ये तरीका होता है वीडियो का, वीडियो बनाने का, ठीक है। जो भी गलती रहा है तो उसको आपने बिल्कुल भी कैमरा ऑफ नहीं करना है,
रहन देना, जो गलती है सिंपली स्टॉप हो जाना है, एक ब्रीदिंग करना है, उसके बाद में आपका जो भी कंटिन्यू होता है वो कंटिन्यू करना है। यही तरीका होता है, यही सीखने का होता है। आप कितने भी वीडियो देख लो, आपको फेस कैमरा फेस करना ही होगा, और ये काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें। एक दो वीडियो आपके जो स्टार्टिंग में रहेंगे वो आप थोड़ा सा फंबल हो सकते हो, अदरवाइज़ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी, ठीक है। तो यही वीडियो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। अभी एडिट सेक्शन में चलते हैं, कौन सी एप्लीकेशन है, क्या करना है, सब बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, उसका नाम है पावर डायरेक्टर। प्ले स्टोर में भी ये अवेलेबल है, लेकिन वाटरमार्क के साथ में। आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए, बहुत ही भद्दा लगता है और प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे गूगल पे जाना है, आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है पावर डायरेक्टर बंडल, पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन, पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन एपीके यहाँ पे गूगल पे आपको लिखना है। और यहाँ पे एपीके के आपको नीचे पावर डायरेक्टर एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो एपीके डाउनलोड है और आपको वो इंस्टॉल करना है, और उसमें एक कोड मांगेगा, वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो कोड PYMJK के कुछ तो भी ऐसा है, आपको वो वहां पे डालना पड़ेगा और आपका पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट के बाद में आपको पावर डायरेक्टर ऐसा दिखाई देगा, ये मैं ओपन, अभी जो वीडियो मैंने आपके सामने शूट किया है वो मैं एडिट करके बिल्कुल भी दिखाऊंगा। तो ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली मिडल में जो न्यू प्रोजेक्ट है वहां पे क्लिक करना है, यहाँ पे 16:9 रेशो रखना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि ओपन कैमरा से ही आपने क्या करना है, आपका वीडियो शूट करना है। ऊपर में जो भी है वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन आपको जो वीडियो एडिट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, हमने ओपन कैमरा से वो शूट किया था। तो यहाँ पे देखिए, पहले है वीडियो कैप्चर, उसके बाजू में राइट साइड में गूगल ड्राइव, उसके बाजू में ओपन कैमरा, ठीक है। ओपन कैमरा में हम क्लिक करेंगे और ये जो वीडियो है मैंने उसको नाम दे दिया है YT एडिटिंग वीडियो। इस पे हम क्लिक करने के बाद में एक सिंबल सा आ जाएगा प्लस आइकन का, उस पे भी क्लिक कर देंगे, वो नीचे शो हो जाएगा। नीचे जो शो हो जाएगा उस पे एक बारी क्लिक करना है, ऐसा आ जाएगा। तो ऊपर किसी भी साइड पे आपको क्लिक करना है तो ये विजिबल हो जाएगा। नीचे आपको वीडियो पे ग्रीन लाइन दिखे, यानी ग्रीन लाइन दिख रही होंगी, उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वीडियो अब कैसा एडिट करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की आवाज़ बहुत कम है तो सिंपली आपको ये जो वीडियो है नीचे एक लाइन भी यानी दिख रही होंगी आपको ब्लू कलर की, ये वाली, ठीक है। तो उस पर पूरे वीडियो पे एक बारी क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ऊपर एक पेंसिल का आइकन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वॉल्यूम फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वॉल्यूम यहाँ पे कम था, पूरा 100% करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है, आपका वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे राइट साइड में डाउन जो छोटा सा एरो है, ठीक है, उसके नीचे एक बटन है, ठीक है, उसको क्लिक करते ही हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आपको आपका फर्स्ट वीडियो जो है शूट करना है, मैं अभी ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको देखिए जो बोया माइक मैंने अभी बताया था वो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ओपन कैमरा एप्लीकेशन आपको, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ठीक था। जहाँ पे मैं फंबल हुआ वो हम कट करेंगे। कट करने के लिए सिंपली जहाँ पे भी आपको ओपन करने के बाद में बोया माइक को सपोर्ट नहीं करता है। अभी देखिए मैंने तो ये हाथ में क्या जो फ्रंट कैमरा से वीडियो बनी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी देखिए ऊपर टाइमिंग चल रहा है यहाँ पे, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देना जब भी आप कट करना चाहते हो। सिंपली यहाँ से आप कट करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल ऊपर देखिए यहाँ पे 0.55 यानी 1.0 ये टाइमिंग है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नीचे अगर आ सके आप आगे पीछे चले जाओगे,
यहां से मुझे देखिए, अभी जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे बंद करना है, यानी यहाँ से कट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऊपर, और ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा नीचे, यहाँ पे देखिए पेंसिल आइकॉन के बीच में कटर है, ठीक है, कटर पे आपको क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ तक करना है, फिर से वीडियो स्टार्ट करना, देखिए यहाँ तक मुझे करना है नीचे, आप जो बटन है आपका हाथ जो है, जो आपकी उंगली है, वहां से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, मुझे यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक संभल हो जाऊंगा। स्टॉप कर देना है, स्टॉप करने के बाद आप बिल्कुल भी इजीली ये हैंडल कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पे 1.02 से लेके, तो मुझे 1.6 तक यहाँ पे कट करना, यहाँ से मैं रुक जाऊंगा, फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पे कटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए ये और ये, यानी ये और ये दो सिंबल आ गए, उसके बीच में सिंपली एक बार आपने क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और नीचे अभी लेफ्ट साइड में डिलीट की बटन है, वहां पे आपको क्लिक करना है, ये डिलीट हो गया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। फंबल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं जानबूझ के बीच में फंबल हो जाऊं, पता भी नहीं चला, वो फिर आपको एडिट सेक्शन में सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्टॉप हो गया, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, इसके यानी देखिए फिर से एक बार मैं लगाता हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके बाद में मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, फिर से कटर पे यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ तक करना है मुझे, फिर से वीडियो स्टार्ट करूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्टॉप हो जाना है और दिमाग में सोचना है आगे क्या बोलना है, या तो फिर स्क्रिप्ट लिख लेना, ठीक है, मैं तो लिखता नहीं हूँ, जो दिमाग में पहले सोचता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ और बोल देता हूँ, और जहां पे फंबल हुआ, फंबल लेने, जहां देखिए यहाँ पे मैंने दिमाग में कट कहाँ पे किया, मैंने सब्सक्राइब कर सकते हो, कर सकते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्टॉप हो जाना है, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो यहाँ तक मैं अभी देख बताऊंगा, देखिए, और दिमाग में सोचना है आगे क्या बोलना है, या तो फिर स्क्रिप्ट लिख लेना, ठीक है, मैं तो लिखता नहीं हूँ, जो दिमाग में पहले सोचता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ और बोल देता हूँ, और जहां पे फंबल हुआ, फंबल है, जहां पे आप गलती से रुक गए या कुछ भी आपको याद नहीं रहा, तो वहां पे सिंपली रुक जाना, ये सब एडिट होगा, एडिट सेक्शन में मैं बताऊंगा, तो स्टार्ट टू फिनिश, यानी अभी मैंने क्लिक कर दिया, फिर से कटर लेफ्ट साइड पे बीच में कर दिया, और बाजू में मैंने ये लेफ्ट साइड में दबा दिया, ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए संभल हो जाता हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हो, फिनिश यानी अभी नेक्स्ट शुरू कर दिया मैंने, तो स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो आपको देखना है, और जो भी बीच में का पूरा चला गया है, तो यही आपको कट करना है। अभी स्टार्टिंग में आपको नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, बाजू में आता है विकास इंगले करके, तो आपको ये जो बटन दिखाई दे रही है बीच में लेफ्ट साइड में, जो कि दो स्क्वायर एक स्क्वायर है, उसके नीचे एक स्क्वायर, वहां पे आपको क्लिक करना है, और टाइटल लिखा है ऊपर, टाइटल पे आपको जाना है, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है असेंबली लाइन कवर 01 डिफॉल्ट विथ, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है साइबर लिंक डिफॉल्ट विथ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और प्लस का आइकन आ जाएगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आने के बाद में उस पर क्लिक करना है आपको, फिर ऐसा आ जाएगा, बाजू में क्लिक करना है, जो बीच में आ गया मेरा साइबर लिंक, उस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, आपने आपका नाम लिखना है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल वीडियो बनता है, और बिल्कुल भी विदाउट हेडेक बनता है, आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करते हो, दिखने को भी अच्छे नहीं दिखते, कलर ही बदल डालेंगे कोई, तो फिर बहुत से फूल निकलेंगे बात करते हुए, वो इतना अच्छा नहीं लगता है, सिंपल रखना है, तो मैं नाम लिख देता हूँ मेरा विकास इंगले यहाँ पे, और बाजू में राइट साइड में आपका एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये फेस पे आ गया, तो यहाँ पे आपने यहाँ से नीचे करना है, तो आपको ये जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो, आपके थंब से, आपके फिंगर से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बड़ा भी कर सकते हो, यानी जहाँ तक कहाँ तक ले जाना चाहते हो, पूरे वीडियो में जाना चाहते हो, या फिर नीचे
इस पे क्लिक करना और ये छोटा यानी मेरा स्टार्टिंग में इंट्रो होगा तो वो नाम आएगा। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आपको आपका फर्स्ट वीडियो जो है शूट करना है। मैं देखिए नाम आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये नाम का हो गया। अगर आपको म्यूजिक डालना है तो वो कैसे डालना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये तो हो गया, ऊपर लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट साइड में एरो, उसके नीचे म्यूजिक का सिंबल है, आपको क्लिक करना है। आपके फोन में जो भी म्यूजिक आपने डाउनलोड का यानी किया हुआ है, यानी जो भी आप कॉपीराइट फ्री करना है भाई, आपको आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से हजारों म्यूजिक मिल जाएंगे फ्री में, वही करना है। ऊपर आपको जो म्यूजिक का सिंबल है उस पर क्लिक करना है। नीचे आपके फोन में जो भी म्यूजिक है वो आ जाएंगी। जैसे मैं डाउनलोड में है तो डाउनलोड में मैंने ये वाली दो म्यूजिक है, तो जो भी म्यूजिक चाहिए उस पर सिंपली पहले चेक कर लेना। जैसे कि ये चेक करता हूँ मैं, ठीक है, जो पहली वाली है उस पर क्लिक करना। सब पे प्लस का आइकन आएगा, ठीक है, तो प्लस का आइकन यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे हमारा ये म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक पे क्लिक करना दोस्तों, लेफ्ट साइड में ऊपर फिर से पेंसिल का आइकन आ जाएगा, उसमें फिर से वॉल्यूम पे जाना है और म्यूजिक की बहुत कम कर देना है, तो बहुत आवाज आती है, एकदम साइलेंट में पीछे म्यूजिक चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको 10 करना है, बस 9 10, मैंने 9 किया, ठीक है, ओके करना है और फिर एक बार स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आपको आपका फर्स्ट वीडियो जो है शूट करना है, मैं अभी ये वीडियो में बताऊंगा कि आप, ठीक है, अभी आपके फिंगर से सब जो ऊपर का वीडियो नीचे सब लेफ्ट साइड में लेके जाना, क्योंकि म्यूजिक अपना जो है लास्ट में ये जरूर देखना कि लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर देखिए म्यूजिक यहाँ तक ही है, ठीक है, और आगे म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक पे सिंपली क्लिक करना, ऊपर फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना, डुप्लीकेट बीच में आएगा यानी डुप्लीकेट म्यूजिक बन जाएगा, फिर से म्यूजिक पे लेके जाना है। म्यूजिक ज्यादा होगी, देखिए ये लास्ट वीडियो है मेरा, यानी मैं सब बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो। तो अभी भी चल रहा है, यानी आप वीडियो बना के चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक म्यूजिक को हम कट कर देंगे आगे का। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है नीचे म्यूजिक के, इस पे उस पर क्लिक करना है। आपको लेफ्ट साइड में कटर मिडल में ऑप्शन दिखेगा, फिर से क्लिक करना है और राइट साइड का वीडियो के राइट साइड का वहां पे आपका फिंगर टिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड में नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट हो जाएगा। वीडियो पूरा रेडी है दोस्तों, ये मैं सैंपल पीस बताया हूँ आपका, आपको ऐसा ही करना है। ऊपर अभी वीडियो हो गया, सब हो गया, ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो एरो की बटन है सेटिंग के ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद में नीचे ऑप्शन है प्रोड्यूस वीडियो, प्रोड्यूस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। यहां पे सेव टू गैलरी लिखा है, यहां पे आपको क्लिक करना है। फुल एचडी होना, फुल एचडी, एचडी होना, एचडी, एचडी होना, एचडी, ठीक है। आपको यहां पे फास्ट होने के लिए मैं एचडी कर देता हूं और प्रोड्यूस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पूरा वीडियो यहाँ पे 100% हो जाने के बाद में ये रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल आर्ट लोगो वगैरह सब बताऊंगा कि कैसा ये जो क्रिएट किया वहाँ पे कैसे अपलोड करना है, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है, कैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, एसईओ क्या होगा, सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी दोस्तों, तो प्लीज यहाँ पे एक लाइक तो बनता है। 100% होने के बाद में आपको पूरी प्रोसीजर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप थंबनेल कैसे क्रिएट करोगे। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन क्या करनी है, डाउनलोड करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहे, काफ़ी ईजी है थंबनेल बनाना। अभी हम थंबनेल बनाते हैं दोस्तों। एक थंबनेल की ज़रूरत होती है YouTube वीडियो के लिए, वो थंबनेल को देख के, उस थंबनेल को अट्रैक्ट हो के हमारे वीडियो पे ट्रैफिक आता है। तो उसके लिए सबसे पहले पिक्सल लैब में हम जाएंगे, तो उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स है उस पर हम क्लिक करेंगे। इमेज साइज है, इमेज साइज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे यूट्यूब थंबनेल है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये यूट्यूब थंबनेल के डायमेंशन ले लेंगे, विड्थ एंड हाइट, इस पे ओके करेंगे। ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको ऊपर एक डिलीट का बटन है एडिट पेंसिल के बाजू में प्लस के नीचे, उस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट कर देंगे। नीचे जो दोस्तों स्क्वायर है राइट साइड से सेकेंड नंबर 2 स्क्वायर, उस पर क्लिक करेंगे। कलर ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे,
और हमारा जो थंबनेल है उसका कलर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइट ले लेता हूँ, यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर लिया है। अफिलेट मार्केटिंग के लिहाज से मेरा वीडियो है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अफिलेट मार्केटिंग का क्या बनाऊंगा, थंबनेल बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमने जो अभी नीचे सबसे ए लिखा हुआ है वहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट है नीचे, क्लिक करने के बाद पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बेस्ट 5 अफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका चेंज कलर चेंज करना हो तो सिंपली जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे आप, और फिर से लेफ्ट साइड में आपको आपके फिंगर लेके जाना है। यहाँ पे कलर एक ऑप्शन आएगा, कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, अभी ये दिख रहा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कलर के सामने ए बी करके फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट करके कौन सा भी फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हो, मैं ये करता हूँ। तो उसके सामने अगर जाओगे तो स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक अगर आप दोगे इसको तो देखिए अभी क्लियर हो, उसके सामने शेडो है। स्ट्रोक देने के बाद में थोड़ा क्लियर हो गया, शेडो पे क्लिक करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और आप एंड में गए तो 3D शेडो है, उस पर शेडो आ जाएंगी, उसके सामने 3D का ऑप्शन है, ये 3D बन जाएगा। अभी इसको बड़ा करना है तो फिर से यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे नीचे, और ये देखिए ये छोटा बड़ा यहाँ से प्लस माइनस से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और एक वर्ड लिखेंगे, फिर टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पे लिख देंगे, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ओके करेंगे, ये नीचे करेंगे। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पे लिख दिया, और फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे लेफ्ट में, इसको स्क्रॉल करेंगे, कलर पे जाएंगे, कौन सा भी कलर दे सकते हैं, ये कलर मैं दे देता हूँ रेड। फिर से यहाँ पे ए बी करके लिखा है फॉन्ट, उस पर क्लिक करूँगे मैं, और यहाँ पे आर्म रेसलर करके ये फॉन्ट कर देता हूँ तो ये आ गया। यहाँ पे फिर स्ट्रोक दे देता हूँ तो ये आ गया, शेडो दे देता हूँ तो ये शेडो आ गया, लास्ट में 3D का एक लुक दे देता हूँ तो ये भी आ गया। ठीक है, इसको मैं अभी बड़ा करता हूँ, नीचे साइज पे जाना है तो इसको क्या करना है, बड़ा हमको करना है। तो देखिए बेस्ट 5 अफिलिएट प्रोग्राम, अगर आपको इमेज यहाँ पे डालना है ऊपर के प्लस साइन पे क्लिक करना है, नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन है फॉर्म गैलरी पे क्लिक करना है, डाउनलोड सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, नीचे करोगे तो गैलरी वगैरह सब ओपन हो जाएंगे। सिंपली मैं फोटोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का एक सिंबल यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, देखिए जो नहीं होना वो कट कर सकते हो, नीचे एक बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये ऐसे आ जाएंगे। इस पर आपका फिंगर लेके जाना है, इसको मूव कर सकते हो नीचे, ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ये होने के बाद में ऊपर 3 डॉट्स पे जाना है आपको, एक्सपोर्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक करना है, ये आपके गैलरी में फ़ोन में सेव हो जाएगा। इस तरह से आप काफ़ी इजी तरीके से आपका थंबनेल बना सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। तो आपने देखा दोस्तों, हमने लोगो बनाया, चैनल आर्ट बनाया, वीडियो कैसे एडिट करना सब हमने देखा है। अभी सिंपली इस पे पुट करना है और क्या क्या आपको करना है मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो स्टार्ट टू फिनिश बिल्कुल भी आपने देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपलोड पिक्चर, जो कि आपके रिलेटेड टू चैनल नीच होंगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी हमने अभी बनाया है लोगो पिक्सल लैब से वो यहाँ पे अपलोड होगा। ये AMR करके हमने बनाया था, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये एक अच्छा सा लोगो यहाँ पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, यानी आपका चैनल क्या है, तो मैं एक मिनट में सिंपली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, जो भी चैनल
मैंने अभी बना रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। आपने आपके खुद के चैनल का अच्छा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इन फ्यूचर आपको अगर स्पॉन्सरशिप लेना है तो यहाँ से आपकी लिंक या आपकी आईडी उनको मिल सकती है। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपके वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम या आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट, या फिर आपका ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपली अभी ये मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ, बी फॉर बक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ, ये जो यूआरएल है दोस्तों मैंने कॉपी करा, यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। यहाँ पे आप सोशल आइकन भी डाल सकते हो। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो लोगो है यहाँ पे आ गया है। अभी चैनल को कस्टमाइज करना है। यहाँ पे राइट साइड पे भी आप देखिए लोगो यानी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे कैसे अभी वीडियो अपलोड करते जो कि देखा है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अभी आपको मज़ा आएगा। यही एक अच्छा तरीका होता है, ये डैशबोर्ड बोलते हैं यूट्यूब का। यहाँ पे आपको पूरा आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, या फिर आपको कितने पैसे मिले हैं, कितने आपका वॉच टाइम हुआ है, सब यहाँ पे देखिए। मनी रूल्स MR जो कि लोगो डाला था, नो सब्सक्राइबर ऑफकोर्स एक भी नहीं होगा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल डिस्कशन अबाउट, अबाउट सेक्शन में आपको यहाँ पे आपका जो भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे लिंक्स में जो कि मैंने वेबसाइट डाला है। यहाँ पे देखिए आज की तारीख है 1 अक्टूबर, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए चैनल्स पे अगर आते हैं तो यहाँ पे दिस चैनल डज नॉट फीचर एनी अदर चैनल्स यहाँ पे लिख के आता है। प्लेलिस्ट कुछ भी नहीं है, वीडियोस ऑफकोर्स कुछ भी नहीं है, होम यहाँ पे हम अभी सब आपको, तो ये लोगो दोस्तों हमने यहाँ पे ऐड किया था। हमें अभी चैनल आर्ट यहाँ पे ऐड करना है जो कि यूट्यूब बैनर बोलते हैं। सिंपली राइट साइड में आपका जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो बीटा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे लेआउट ब्रांडिंग बेसिक इन्फो ऊपर है चैनल कस्टमाइजेशन पे, सिंपली ब्रांडिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड है बैनर इमेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जो भी हमने यहाँ पे बैनर लगाया था तो आप वो चाहे वो पिक्सल आर्ट से हो, चाहे वो पिक्सल लैब से हो या फिर कैनवा से है, वो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ओपन करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका बैनर आर्ट एकदम फिट हो गया है, लोगो बिल्कुल फिट हो गया है। मनी रूल्स के लिहाज से हमने वहाँ पे लिखा था जो कि चैनल का नाम है, आपने बिल्कुल भी आपका जो चैनल का नाम है और चैनल के जो कीवर्ड्स है वो भी लिख सकते हो, सिंबल्स भी डाल सकते हो और वहाँ पे आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी भी दे सकते हो, जैसे कि मैं मेरे मेन चैनल पे विकास इंग्लिश चैनल पे दिया हूँ, ठीक है। सिंपली ये होने के बाद में राइट साइड में आपको पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों देखिए हमारा जो चैनल है यहाँ पे मनी रूल्स ऊपर बेहतरीन लग रहा है, हमारा लोगो भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे पूरा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जो वीडियो हमने बनाया है, जो भी आप पहला वीडियो बनाओगे वो कैसे अपलोड करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होती है, सब मैं बताऊंगा और काफ़ी अच्छी तरीके से बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी स्टार्ट टू फिनिश ये वीडियो ज़रूर देखना है और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जितना आप इसको हार्ड समझते हो उतना हार्ड ये नहीं है, और जितना ईजी भी समझते हो उतना ईजी भी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें दोस्तों अभी पहला वीडियो डालना है जो कि यहाँ पे ऊपर की प्लस बटन यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड वीडियो है दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, क्रिएट वीडियो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जो भी आपका वीडियो है जो हमने बनाया था वो डालेंगे। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे जो फर्स्ट है फाइनल वीडियो फॉर अपलोड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वीडियो है जो कि मैंने आपको बताया था। अभी देखिए यहाँ पे ये वीडियो नीचे आपको शो हो रहा होगा,
अपलोडिंग देखिए 10, 12 अप टू 100, यहाँ पे ये होने के बाद में हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ता। उसके पहले हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइटल डिस्क्रिप्शन में सब बताऊंगा आपको, यहाँ पे ये जो है ये रिमूव कर देता हूँ मैं। अभी टाइटल मेरा अफिलिएट मार्केटिंग है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना, जैसे कि मेरा अफिलिएट मार्केटिंग है टॉप 3 बेस्ट 3 अफिलिएट नेटवर्क, तो ये लिख लेना। जैसे कि अफिलिएट है, अगर आपको एसईओ अच्छे तरीके से करना है दोस्तों, तो जो भी आपका टाइटल है सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। जो भी टाइटल है आपका वो यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे सिंपली अफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मेरे को आ गए हैं। यानी मैं कौन सा कीवर्ड यानी कौन सा टाइटल रखूँ वो मेरे को यहाँ पे देखिए ट्रेंड डेटा अफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे शो हो रहा है राइट साइड में। अभी आपके हो सकता है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वहाँ पे नहीं ये कीवर्ड आते होंगे, तो सिंपली आपको एक एक्सटेंशन कीवर्ड यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला, और आपके ये शो हो जाएंगे। देखिए कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं नीचे, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, यानी ये वाले जो वर्ड्स है लोग सर्च करते हैं। तो मुझे एक आइडिया यहाँ से मिल गया है कि ये मुझे वर्ड डाले तो मेरी जो वीडियो रैंक हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, ये जो है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और अपने जो नोट पैड में है दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे को वर्ड्स मिल गया है, और ये भी मैं क्या करता हूँ नीचे वाले ये भी कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमको टैग में काम आएंगे। ध्यान से देखिएगा आप धीरे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी वीडियो रैंक में आ सकती है और वायरल भी हो सकती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर से हम जाते हैं हमारे सेक्शन पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये एक कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग, कंप्लीट कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी लिखता हूँ 3 बेस्ट अफिलिएट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ये हो गए, ये दो मुझे पता था। अभी जो हमने कॉपी करके रखा है यहाँ पे देखिए कौन, अफिलिएट मार्केटिंग एग्जाम्पल्स, अफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन, अफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग इन हिंदी, अफिलिएट मार्केटिंग जॉब्स, अफिलिएट मार्केटिंग फ्लिपकार्ट, ये वर्ड्स है दोस्तों आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 2020, ये एक अच्छा कीवर्ड है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये मुझे मिल गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 वर्ड्स ही लिख सकते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं ये जो बार है इसको रिमूव करता हूँ, 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे कीवर्ड डालना है और यही कॉपी करना है आपको, ध्यान से देखिएगा यही कॉपी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यही सेम डालना है। डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ पे अबाउट अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, अबाउट दिस वीडियो में आप ये जो भी वीडियो है उसके बारे में डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप आपके सोशल साइट्स के जो भी यूआरएल है वो डाल सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कि जो डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, यानी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आपने वो लिख देना है और आपके हर वीडियो में वो शो हो जाएगा। लेकिन आपको ये स्टार्ट टू फिनिश बताओ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसा कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया दोस्तों। आपकी यहां पे आप जो भी जैसे 10-12 वीडियो हो गया तो प्रीवियस वीडियो के लिंक डाल सकते हो। जैसे कि आपने प्रिंट ऑन डिमांड का डाला तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्रिंट ऑन डिमांड, मेक मनी ऑनलाइन, जो भी हो कुकिंग वगैरह वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पे बहुत कुछ आप डाल सकते हो। 5000 अप टू 5000 वर्ड्स यू कैन यूज इन दिस डिस्क्रिप्शन सेक्शन गाइज, तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अभी थंबनेल, जो कि हमने थंबनेल बनाया था दोस्तों,
आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो ये बोल रहा है हमने हमारा जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो वेरीफाई नहीं किया है, तो कोई दिक्कत बात नहीं, यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। आपका जो भी नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट स्टेज है तो नंबर वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंट्री आ गई है हमारी इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हाउ शुड वी डिलीवर द वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। और व्हाट इज योर फोन नंबर, तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आपने आपका डाल देना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट पे हमको क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे हमको डालना है और मैंने डाल दिया है। सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज वेरीफाइड, अभी फोन नंबर डाला है, अकाउंट हमारा वेरीफाइड हो गया है, अब हम सब यूज कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे दोस्तों अपलोड हमें थंबनेल जो डाला मैंने बताया था वो थंबनेल हमको यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा थंबनेल जो है ऐड हो चुका है। थंबनेल पे आपको बहुत वर्क करना है, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है। जो भी आपका नीच होगा, वीडियो होगा, लोग किस पे क्लिक करते हो, खुद का एग्जाम्पल लेना है कि आप कौन से थंबनेल पे क्लिक करते हो, आपको क्या पसंद है। 70% आइडिया आपको वही से आ जाएगा, काफी एक बेहतर है ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अभी नीचे दोस्तों प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट यानी जैसे मेरे चैनल पे आप गए तो मेक मनी ऑनलाइन का अलग है, ब्लॉगिंग का अलग है, यानी आप एक सेपरेट आपके अलग अलग जैसे सेक्शन बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्रिएट प्लेलिस्ट, यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे मैं अफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो है तो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आपका जो भी है वो नाम दे देना, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको जरूर बनाना है, इससे काफी अच्छा इंप्रेशन गिरता है और हमारा एक जो चैनल है वो एकदम प्रोफेशनल दिखता है। अफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैं एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, ये चैनल पे मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। और यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल ये बन गया, इस पर क्लिक करना है और ये डन करना है नीचे, यानी ये जो वीडियो है ये वाले सेक्शन में चला जाएगा। अभी ये देखिए, अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आपके वीडियो में कभी भी बच्चों का कंटेंट या बच्चे नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। क्योंकि कोपा के तहत उन्होंने एक रूल निकाला है कि जो छोटे बच्चे नहीं, आप उसके बारे में कुछ गलत अनाप शनाप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन ये भी दिया है कि ये जो कॉन्टेंट है ये क्या, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, किड्स के लिए है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जरूर नो करना आपने, ठीक है। और नीचे मोर ऑप्शन, अगर आपका कोई वॉइस चैनल हो जैसे कि बीबी के वॉइस, जैसे चंचलानी है और भुवन बाम है, जैसे एडल्ट कंटेंट उनमें रहता है, तो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आपने डालना है, बिल्कुल भी डालना है। या थोड़ी फिर रोस्टिंग का चैनल हो, थोड़ा गाली गलौच है उसमें, तो आपने ये जरूर से करना है, नहीं तो दिक्कतें आपको आ सकती है। नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों टैक्स डालना है, टैक्स यानी मेरा वीडियो कह के बारे में अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं डालूंगा यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग, यानी जो लोग सर्च करते हैं वो आपको डालना है। देखिए यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग और थ्री बेस्ट वेज अफिलिएट मार्केटिंग, थ्री बेस्ट ठीक है। यहाँ पे 500 वर्ड तक डाल सकते हो, जो हमने कॉपी किया था यहाँ से, यहाँ पे आना है दोस्तों आपको, और जो भी कॉपी किया था जैसे कि रिलेटेड टू वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट का नहीं तो मैं फ्लिपकार्ट का रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे कॉमा कॉमा देना है आपको, यानी कॉमा करके ही टैग्स में डालना है, तभी वो ऐड होते हैं। यहाँ से पूरा कॉमा दे देना है और यहाँ से पूरा इसको कॉपी करना है, यानी आपका ये एसईओ के लिए, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी आपका वीडियो रैंक होना, रैंक होना यानी वायरल होना, और वायरल होना यानी आपका फायदा। यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 281 वर्ड हो गए, आपके वीडियो के रिलेटेड कीवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे 41.8 मेरा जो एसईओ को स्कोर है वो 50 आउट ऑफ आया है, जो कि अच्छा है। देखिए यहाँ पे अगर आपको
वीडियो रैंक करना है तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप डालना है। देखिए हमने पहले क्या किया, वीडियो किया, नीचे फिनिश प्रोसेसिंग, प्रोसेस फिनिश होगी हमारी, टाइटल डाला, वही टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाला, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा आपको डालना है। और एक बात, ये जो सब आपने जो ये किया है, नीचे आपने गूगल से ये कीवर्ड लाया, इसको कॉपी करना है पूरा, ठीक है। और ये भी आपको क्या करना है, आपके डिस्क्रिप्शन में डालना है, यहाँ पे लिखना है वीडियो इज ऑल्सो रिलेटेड ठीक है, लास्ट में डालना है वीडियो इज ऑल्सो रिलेटेड, एंटर प्रेस करना है और ये जो हमने कॉपी किया था पूरे वर्ड यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। इससे भी आपकी वीडियो रैंक होती है। फिजूल के वर्ड बिल्कुल भी नहीं डालना है, जैसे कि इसमें फिजूल के वर्ड आ गए जिसे रेडिट के बारे में नहीं है तो हमको ये रिमूव करना है। आपका वीडियो जो जिस टॉपिक पे नहीं है वो रिमूव करना है, ध्यान में रखना, क्योंकि अल्गोरिदम यूट्यूब का कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी वीडियो किस पब्लिक के लिए भेजना है, ठीक है। ये तेलुगु वगैरह है क्या हमारा, बिल्कुल भी नहीं है। कन्नड़ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको देखना है, वीडियो ये काफी लंबी हो जाएंगे इसीलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अभी आपको नीचे आना है, सब हो गया दोस्तों हमारा, अभी ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एड्स एंड एंड स्क्रीन। जैसे कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो वीडियो जब खत्म हो जाता है तो मेरे अलग अलग वीडियो जो प्रीवियस वीडियो वो आ जाते हैं, उसको एंड स्क्रीन बोलते हैं, तो वो आपको लगाना है। जैसा कि पहला वीडियो रहेगा आपका तो नहीं रहेगा, चार पांच वीडियो हो गए तो पिछला वीडियो उसी से रिलेटेड डालना है, क्योंकि लोग जैसे अफिलेट मार्केटिंग के बारे में देखेंगे तो दूसरा मेक मनी ऑनलाइन के देखेंगे, उस पर भी क्लिक करेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, चैनल आपका जल्दी मोनिटाइज हो जाएगा। एड स्क्रीन यानी जैसे कि बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, तो यही रहता है आई बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो है हमारा वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल में कोई वीडियो है नहीं। यहाँ पे अगर आपका प्रीवियस वीडियो रहा तो आपको यहाँ पे वीडियो में क्लिक करके डायरेक्टली, जैसे कि ये नीचे है ठीक है, यहाँ पे मुझे ये टाइम हो गया 28 सेकंड में ये वीडियो डालना है, तो प्लेलिस्ट में हमने क्या बनाया, यही वीडियो बनाया ठीक है। तो अभी ये पहला वीडियो तो नहीं आया, सिंपली यहाँ पे आपने ये कर देना है ठीक है, काफी ईजी है ये। तो ये दो सेक्शन हो गए, पहला वीडियो है तो ये नहीं है, नेक्स्ट कर देना है ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पब्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देना है ठीक है। वीडियो हमारा पब्लिक हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, वीडियो हमारा ये पब्लिक हो गया है, पूरी दुनिया में ये देखा जा सकता है। ये जो लिंक है आप आपके सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और वहाँ से भी व्यूज ले सकते हो। यूट्यूब कितने भी वीडियोज आप शेयर करो, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि YouTube ने नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है। इट मीन्स YouTube चाहता है कि आप बहुत लोगों के तहत पहुंचो, आपका कंटेंट दुनिया में फैलाओ। तो देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये दूसरे इसमें खुल गया है, तो देखिए ऐसा ये वीडियो दिखता है, आपका भी दिखेगा ऐसा, ये वीडियो लोगों को शो होगा, नो व्यूज। यहाँ पे देखिए खुद वीडियो को कभी लाइक नहीं करना जब मोनिटाइज हो जाएगा। यहाँ से मेरी जो टंग है बहुत अजीबोगरीब दिख रही है। ये वीडियो शायद स्टार्ट हो गया, देखिए जो वीडियो मैंने आपको बताया था वही ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नेट जो स्पीड है थोड़ी कम है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि नीचे हमारा हमने जो डिस्क्रिप्शन डाला था मनी रूल यहाँ पे आ गया, चैनल का नाम आ गया, शो मोर पे करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन में डाला था पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। लोग यहाँ पे देखिए लाइक डिसलाइक जो भी है वो करेंगे। डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे तो आपने कौन से कीवर्ड यहाँ पे डाले थे वो भी लोगों को यानी देखने में आएंगे, और थंबनेल अगर आपको देखना है तो वही थंबनेल आपका हो जाएगा जो कि आपने यूज करा था ठीक है। तो अभी हम जाएंगे दोस्तों हमारे चैनल में और थोड़े से इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपका वीडियो रेडी हो चुका है, ऐसा ही वीडियो आपको भी बनाना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप अगर वीडियो सेक्शन में आओगे तो आपका वीडियो यहाँ पे रेडी रहेगा। तो ये देखिए पहला वीडियो हमारा यहाँ पे आ गया है, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो ये वीडियो आपको शो हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो वीडियो है अभी थोड़ी देर में आएगा, क्योंकि पहला ही वीडियो है इसमें भी आ जाता है। अभी मैं आपको बताने वाला था कि नीचे अगर आप जाओगे यहाँ पे तो मैं जैसे कि आपको बोला सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है,
सेटिंग में क्लिक करने के बाद में सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा अपलोड डिफॉल्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल देना आपके जो भी आप डालोगे, जैसे कि आपने आपके सोशल मीडिया के URL डाले, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉलो मी और यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आप, तो आपके ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, ठीक है, आपके हर वीडियो में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब्सक्राइब का बटन आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपको बाकी थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको ये एक करना है, आपको लिखना है वीडियो इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये लिख के रखना है, फिर वहां पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे जो टाइटल डाला था वहीं पे आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली सेव करना, हर वीडियो में आपने आपको यानी बार बार लिखने की दिक्कत नहीं आएगी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तहत आपको ये बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लगभग पूरा बता दिया है, मैं यहाँ पे बड़े बड़े ट्यूटोरियल जो है यूट्यूब के बारे में भी आपके लिए डालते रहूँगा, जो नए लड़के हैं जो ये समझते हैं कि ये बहुत हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज यूट्यूब के लिहाज से भी यहाँ पे आपको मैं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और आपको क्या कमी लगी कि सर और इस पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, हमको ये पार्ट नहीं समझ में आया, और एक वीडियो बनाइए, आपके जो सवाल होंगे मैं उससे जवाब दूंगा, उससे वीडियो बनाऊंगा, देखिए आप ही लोग हमें सिखाते हो कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, देखिए बहुत अच्छी ये वीडियो हुई है, सब मैंने बताया, वीडियो एडिट कैसे करना, थंबनेल, चैनल आर्ट सब बताया, SEO, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो इसीलिए एक लाइक बड़ा सा थम्सअप तो आप उसको कर ही लीजिए, लाइक्स और कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्री में बिजनेस कैसे करते, काफ़ी धमाकेदार वीडियोज अभी मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, स्टार्ट टू फिनिश आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जो भी सवालात हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, जय हिंद।